और ये जो सबसे बड़ा ये जो मेरे को दिख रहा है ये 6,500 का। गरीबों की सहायता करना बहुत अच्छा काम होता है। पहले इसके मुंह के अंदर देना भाई। लुकिंग दिस फायर पॉइंट पिकाचू बूम। इट्स योर बॉय दिस मी अंशुमान बैक विद अनदर वीडियो वेव। सो गाइस आज का एजेंडा ये है, आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक। मैंने सोचा कि तुम्हें चांदनी चौक का चक्कर कटवा के आऊँ क्योंकि मेरा ना ट्राइपॉड खराब हो चुका है, मेरे को ना हाथ से ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है और जो मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है हार्ड। तो चलो चलते हैं चांदनी चौक, देखते हैं उस मार्केट के अंदर मुझे ट्राइपॉड जो मेरे को चाहिए रियल वाला वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने सुना है चीप बहुत मिलते हैं वहाँ पे, चीप बहुत ही चीप प्राइस में ट्राइपॉड ले लो। अगर तुम अमेज़ॉन पे देखोगे ना तो वहाँ कम से कम अराउंड 500 या 600 तुमको मिलेंगे ट्राइपॉड नॉर्मल, ठीक है। और वहाँ पे मैंने सुना है 150 या फिर 200 तक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो चलते हैं बेबी, लेट्स गो बूम। सो ऑल राइट गाइस, अब मैं आ चुका हूँ शॉप पे। ये देखो ये शॉप के हैं हमारे हैं ओनर, तो अब मैं इनसे पूछूंगा कि क्या है इनके पास सारे ट्राइपॉड एटीचर सब कुछ देखते हैं। सो लेट्स गो ड्यूड। तो अंकल ये वाले ट्राइपॉड कितने का है, जो सबसे बड़े वाले ट्राइपॉड है? ये मॉडल है 560, इसका रेट है 1300। अच्छा, इसका रेट है 1300। और ये वाला दूसरे वाला 520, ये है 800। ये 800 का है। और तीसरे वाला 1500, ये 1500 का है। और ये जो सबसे बड़ा ये जो मेरे को दिख रहा है ये 6,500, ये 6,000 का है, 6,500। अच्छा, मतलब आपकी दुकान में बस खाली ट्राइपॉड ट्राइपॉड होंगे या फिर कुछ और भी होगा? अच्छा, उसके बाद यूवी फिल्टर है, यूवी फिल्टर है आपके पास, दिखा सकते हो एक बार? सो गाइस ये है यूवी फिल्टर, ठीक है। इसके प्राइस कितने होंगे? ये 70 रुपीस का है। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द यूवी फिल्टर। अच्छा, छोटा साइज है 70 रुपीस का है। अच्छा, बड़ा साइज है 150। सो अंकल अगर आपके पास कोई आए तो फिर आप उसको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो अपना? अगर आपके पास कोई आया कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो बता दूँ? देख लीजिए बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, ये इनका बोर्ड है भाई, अच्छे से देखो। ये चांदनी चौक में सबसे अंदर वाली मार्केट के अंदर है ये शॉप, ठीक है। तो इन्हीं पे आना क्योंकि मेरे को इनकी शॉप सबसे बढ़िया लगी, सबसे चीप में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट ये मेरे को सेल कर रहे हैं। और जो मैंने प्रोडक्ट लिया अंकल दिखाना, जो मैंने ट्राइपॉड लिया था गाइज, मैंने ये वाला ट्राइपॉड लिया है, देखो ये वाला, ये ट्राइपॉड है 150 का। और जिसका जो माउंट है इसके अलग से पैसे हैं, मतलब 50 रुपीज़ अलग हैं। तो ये पूरा पड़ा मेरे को 200 रुपये का, ठीक है। सो लेट्स गो बूम। सो गाइज अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये मेरे ट्राइपॉड से बन गया एकदम, देखो पूरा प्रॉपर दिख रहा है। बताना पहले का बढ़िया था ये अब का बढ़िया था, बूम। सो गाइज अब मैंने ट्राइपॉड ले लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, बताना कैसा लग रहा है ट्राइपॉड से एकदम। और ये मेरा भाई आया आज मेरे संग। कैसा लग रहा भाई चांदनी चौक की मार्केट में आके? भीड़ हो रही है इतनी यहाँ पर। अच्छा, देख के मत्था तो ऐसे खराब हो जा रहा था। बस पूछना, और एक तो एक कंस्ट्रक्शन, जैसे गाड़ी अंदर नहीं ला पा रहे। हाँ, ये देखो पीछे मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। सो गाइज अगर किसी को नहीं पता हो, मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो पता होता है हर किसी बंदे को कि चांदनी चौक में मार्केट अवेलेबल है बहुत कैडी वाली। तो मैं यही बताना चाहता हूँ अगर किसी को चांदनी चौक आना है तो पहली बात तो ना अच्छे से आना, जेब वेब में हाथ पाथ मार के, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि भाई वही है जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, स्क्रैचिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। और देखा जाए तो एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ मिल जाएंगी, शादी के कपड़े हो गए और अपना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है ना सारा, ए टू जेड तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा ए टू जेड। तो भाई एक चीज़, हाँ गाड़ी का पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ चीज़ है। हाँ, ये सुना है गाड़ी भी गायब हो जाती है यहाँ पर। एक तो हमारा तो गुरुद्वारा है पास, हमने लगा दिया नहीं है, ठीक है। एक तो काम भी चल रहा है थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे प्रधान जी ने कहा कि जिन्हें कि गाड़ी का यहाँ पे पार्किंग वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है भाई। गाड़ी को अच्छी जगह ला के जाना या गाड़ी से मत आना, तो मैं सही बताऊँ तो मेट्रो से आना, चांदनी चौक पर उतर जाना, फिर वहाँ से अपना रिक्शा विक्शा कर लेना, फिर आ जाना, सिंपल है ना। तो कीप वॉचिंग कॉकटी बेबी बूम। सो ऑल राइट गाइज, अब हम जा रहे हैं भाई के सामने। भाई कहाँ जा रहे हैं आज हम? मैं एक बात जरूर बता दूं कि हमारा भाई खुद का बिजनेस है भाई का, बुक्स का, मतलब अमेज़न पे आईडी है। किस नाम से आईडी है भाई? जेएम इंटरप्राइज।
जेम एंटरप्राइजेस के नाम से इसकी आईडी है, ऊपर शो हो रही होगी आपको स्क्रीन पे, तो इसकी आईडी विजिट करिए। जिनको भी बुक्स की जरूरत होती है सारी ए टू जेड बुक्स, मतलब किस किस टाइप की बुक्स होती है मतलब मुझे बता दो। एजुकेशन से हो गई, बच्चों के लिए अगर कोई हो गई, और तुम्हारी मतलब हर टाइप की है, ज़्यादातर ऑल जिस टाइप की आपको चाहिए होगी आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब सारी बुक्स ए टू जेड, मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक कॉमिक्स, मतलब सब चीज़, कोई सी कॉमिक्स हो, कुछ भी हो, कोई सब चीज़ टाइप की। अच्छा, तो गाइज अगर आपको बुक्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो ना, तो मैं भाई का नंबर शो भी कर दूंगा, ठीक है, तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो भी चीज़ है आप इससे ले सकते हो। तो चलें फिर, चलो गाइज बूम, तो अंकित चलें, क्यों क्या करने जा रहे तू? अच्छा, गरीबों की सहायता करना बहुत अच्छा काम होता है, दान करो जितना हो सके, ठीक है, तो चलें, लेट्स गो ड्यूड। सो ऑलराइट गाइज, सो गाइज चलते चलते ना हम आ चुके हैं इंडिया गेट पे, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था इंडिया गेट चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, यही मेरे को खींच के ले गया है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? मैं यार परसों आया था, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं वो हो रहा था, क्या नाम है, उड़ीसा पर्व, उड़ीसा पर्व परसों हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, मैंने अभी ये नहीं पता, शायद होने वाला था, खत्म होने वाला है, पता नहीं कब होगा। अच्छा, तो चले फिर, चल चल देखते हैं, ठीक है। तो गाइस एक बात और बता दूं, क्योंकि जो हम वहाँ पे गए थे, कहाँ पे गए थे, मैं तो यार नाम ही भूल गया, दरियागंज। तो गाइस इसके जो दरियागंज कहते हैं, वहाँ पे ब्लॉगिंग का अलाउ नहीं था बिल्कुल भी, सख्त रूल्स है वहाँ पे कि ब्लॉगिंग व्लॉगिंग नहीं करते, तो इसके लिए मैं वहाँ का शूट नहीं ले पाया, ठीक है। चलते हैं इंडिया गेट की तरफ, देखते हैं वहाँ पे उड़ीसा पर्व कैसा है, कैसा नहीं। चलो लेट्स गो बूम। तो भाई क्या बकचोदी होगी अब यहाँ पे है? अरे यार, मैं सोचा साला इधर लग रहा होगा, इसने पूरा दिन खराब करवा दिया भाई, इसकी वजह से आज यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसने कहा था कि यहाँ पे कौन सा पर्व चल रहा है, सोंतरा पर्व? अरे वो उड़ीसा पर्व यार, उड़ीसा पर्व, यहाँ कुछ नहीं हो रहा भाई। मैं परसों आया था ना, एकदम अच्छा एकदम, तो जरा तो बनी हुई थी भाई, मेरे बंदे थे बहुत सारे, तो भाई मेरे इतना तो देखो पता होना चाहिए कि पागल सी कहाँ लेके आ गई तू। चलो जो भी, चलो लेकिन मौज आ रहा है, ठीक है, की वॉचिंग कॉक टी बेब। तो भाई मैं हो चुका हूँ टायर्ड बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो अंकित पता नहीं क्या कर रहा है, पूछते हैं उससे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या कर रहा भाई अंकित, क्या कर रहा है? पान, पान कितने का पान है भाई? 20 रुपये का एक पान है। क्या क्या मिला दो पान के अंदर, है क्या क्या मिला दो पान के अंदर, क्या क्या पान के अंदर देते वो बता दो। थोड़ा तेज की बोला, आवाज नहीं आ रही, क्या क्या? गुलकंद, चेरी, मीठे सौंफ, नारियल। अच्छा, तो मतलब सबसे स्पेशल पान होगा तुम पे? स्पेशल पान ही है, स्वीट पान है, चॉकलेट है, फायर है। अच्छा, तो अभी कितने का है? मीठा 20 का है, चॉकलेट 30 का है, फायर 40 का। तो गाइस चलो पान खाते हैं, देखते हैं कैसा स्वाद है। सो गाइस मैंने पान खा लिया है भाई, एक और पान खिलाओ मेरे को। फायर वाला खा लो, वीडियो बना लो। फायर वाला कौन सा है? होता क्या उसके अंदर? आग जला के खिलाते हैं, स्टेटस होता है, लोग वीडियो बनाते हैं। अच्छा, जलाओ फिर आग। चलते हैं आग वाला पान खाते हैं बेबी, लेट्स गो। सो गाइस अब पान हो रहा है तुम्हारे भाई का रेडी, पता नहीं क्या क्या डल रहा है इसके अंदर, देखते रहो। एक मिनट, फायर पान दे के आ रहा हूँ। फायर पान खा लोगे? दम है पक्का? बोल, एंजॉय करेंगे यार, इंडिया गेट आए, एंजॉय ना करेंगे ये? इंडिया गेट आके एंजॉय करेंगे यार, यहाँ से वीडियो बनाओ, पीछे इंडिया गेट भी आएगा, आ जाओ। बना दी वो तो मैंने, मैं बनाऊंगा, आप दोनों लोग खाओ, मैं वीडियो बनाता हूं छुट्टी देने का। चुपचाप खड़ा रहा वरना कान पे साट कर दूंगा भैया। स्टार्ट यहाँ से बनाओ ना, पीछे इंडिया गेट भी आएगा, ऊपर खड़ा जल्दी, ये लग गई यार, पहले इसके मुँह के अंदर देना भाई। लुकिंग दिस फायर पान सर, तो चलो खाते हैं, चलो भाई खिलाओ। ये फायर पान, मीठे पान, चॉकलेट पान, Hmm.
हाँ सर। पंकज कैसा लग रहा है फायर पैन खा के? झक्कास लग रहा है एकदम, झक्कास सुपर फैंटास्टिक ड्यूड। छोंका लग गया मुझे मुंह में। छोंक मतलब जिससे केस नहीं आ रहा, थोड़ा बकबका सा। हाँ सो गाइस अब फायर पैन खा चुके हैं, तो भाई हमारा लाया घर से बना के मैगी, ठीक है मैगी लाया। अब इसके हाथ की मैगी मैं पहली बार खा रहा हूँ, पहली बार जिंदगी में पहली बार। तो उसमें अंदर तूने क्या किया, सिंपल बना के लाया या फिर ऐसे बना के लेके आया? सिंपल यार, सिंपल ही आती है अपने को बनाने। तो देखो सिंपल ही आती है, तो चलो इसके हाथ की मैगी खाते हैं, देखते हैं कैसी कैसी नहीं। सो गाइस मैगी मेरे हाथ में है, ये देख लो ठीक है। मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है इस मैगी की शक्ल देख के, शक्ल तो देखो और एक इसकी शक्ल देखो, दोनों की शक्ल सेम ही लगती है मेरे को, इन मैगी और इसकी। खाएं अब? पहले भाई तू बाइट कर, मुझे लग रहा है इसमें जहर मिला हुआ है, पहले तू बाइट कर भाई। तेरे लिए तो जहर मिला गया, जल्दी खा। तीन पैकेट मैगी बना के लेके आए घर से, ये सुबह की मैगी है देख लो। क्या अभी बनाया है? अभी बनाया? हाँ मुझे सुबह की लग रही है, तो मत खा तू, मैं खा लेता हूँ। मुझे जहर सा लग रहा है, ऐसे भीख सी चढ़ रही है, उसे खा के खाना तुम्हें खाना पहले तू खा। खा ली तूने? हाँ। तो गाइज अब मेरा टाइम आ चुका है मैगी खाने का, मैं तुम्हें मैगी खा के दिखाता हूँ। अगर जिंदा बचा तो दुआ में याद रखना, पता नहीं ये भगवान बचा लेना मुझे। मैं खा लेता हूँ। फक इतनी गंदी मैगी कौन कैसे बना सकता है मैन। यहाँ शकल देखो इसकी, इतनी गंदी मैगी, इतनी गंदी मैगी भगवान। तो मत खाना, तो ये खाने को कौन कह रहा था? मतलब इतनी टैलेंट कहाँ से आया, इतना टैलेंट तेरे अंदर कि तू इतनी गंदी मैगी बना सके? अच्छी तो और कोई बना सकता है ना। सही कह रहा, अच्छी और कोई बना सके, लेकिन इसमें इतनी गंदी बनाने का मैगी का टैलेंट है ना, अगर किसी ने भी इसकी मैगी खा ली ना, वो या तो बेहोश हो जाएगा या तो मर जाएगा। मैं तो भाई बेहोश होने वाला था, मैंने तो स्प्लिट कर दी डस्टबिन में। शर्म कर लो शर्म। मैगी की शक्ल तो देखो एक बार गाइस, मैगी की शक्ल ये है इसकी मैगी। कौन भी आ रहा है मैगी। वू सो ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो पसंद आए ना तो भाई लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज कौन बोलेगा? हमारे काले काले अंडे भाई। बोलो कुछ बोलना चाहते हो भाई? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। इसे मैंने रट्टा लगवाया अभी। इसके इसकी इतनी मोटी बुद्धि है भाई, तो इसकी बुद्धि में एक मिनट बता दो तू, एक बार बता दे भाई प्लीज। भाइयों को टाइम बता, इसकी बुद्धि में इतना नहीं गुजरा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कुछ नहीं गुजरा। मैंने रैपिड मार मार के इसको सिखाया। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और टाइम बता दे भाइयों को कितना बज गया रात के? रात के 11 बज चुके हैं और मैं रोड पे हूँ देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। कीप वॉचिंग कॉक टी बेबी, बाय बाय।